आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक CYCSS के ये छात्रवास ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, हंगर स्ट्राइक है और ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को, कुछ मांगों को लेकर। विरोध दिवस, मेरा नाम है, मैं SGND खालसा कॉलेज श्रीनगर से फर्स्ट ईयर की हिंदी की पढ़ाई कर रहा हूँ और हम यहाँ CYSS के बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी भूख हड़ताल चल रही है और आज तीसरा दिन है। हमारी जो मांगे हैं वो हैं 24x7 लाइब्रेरी पुस्तकालय की, जो हमारे महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, जो खेलों से रिलेटेड हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाएं करवाने के लिए उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी हों और हमारा बैलेट पेपर पे चुनाव हो EVM की जगह। और हमारी जो फीस हाइक है, अगर एक कॉलेज में आप देखते हैं एक महाविद्यालय में तो हमारी फ़ीस है 10,000 और वही दूसरी कॉलेज में उसी सेम कोर्स की फ़ीस 14 से 15,000 तक जाती है। ये हमारा मुद्दा है। और एक हॉस्टल्स का कि हर जो भी छात्र इसका बाहर से आया होता है पढ़ने के लिए, उसको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और वो छात्रवास की सुविधा लेके अपनी पढ़ाई को परंपरागत रूप से करता रहे। ये हमारी मांगे हैं। और पिछले तीन दिन से मेरे दो साथी एनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और जो हमारे DU का प्रशासन है, वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार है, प्रॉक्टर है, उनका कोई भी ध्यान हमारी तरफ नहीं है, ना ही वो मिलने आए हैं, ना ही वो पूछने आए हैं क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। हमारी यहाँ पे साथियों की तबीयत बिगड़ती जा रही है और हम ये बताना चाहते हैं CYSS और हम बच्चे कि बच्चों को एक तरीके से भटकाया जा रहा है उनके मुद्दों से। जो छात्र हित के मुद्दे हैं वो पहले ना लाकर हमें ये देश के प्रति बता रहे हैं कि सावरकर अच्छा है या भगत सिंह अच्छा है। तो छात्र हित मुद्दों से बच्चों को भटकाया जा रहा है और दूसरे मुद्दों पे उनका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, जिससे कि छात्र ये सवाल ना कर सके कि पूरा साल छात्र संगठन ने काम क्या किया और क्या नहीं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि छात्र मुद्दों की बात हो, छात्रों को पहली प्राथमिकता दी जाए और उसके अलावा किसी अगर कोई दूसरा मुद्दा है तो छात्रों की पहली सुनवाई की जाए। अगर वो सुनवाई पूरी हो जाती है, छात्र खुश होते हैं, वो कैंपस में परिसर में अच्छे से घूम पाते हैं, उनको फ्री फील कर पाते हैं, उनको संसाधनों की कमी नहीं होती है, तब हम किसी दूसरे मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षित करें, ना कि हम पहले ही किसी ऐसे मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करें बच्चों का जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को भी भटक गया अपनी पढ़ाई से भी। अपने एक विजन जो है, विचारधारा है, किसी को आइडियोलॉजी मानते हैं, किसी को अगर फॉलो करते हैं तो उसके भी वो दुष्व्यवहार ना बन जाए, उसके भी वो नकारात्मक एक तरीके से स्रोत में ना चले जाए। तो इसलिए पहले छात्र मुद्दा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही संवैधानिक रूप से जुड़ के बैठे हुए हैं, बहुत ही अहिंसा के रूप में हम यहाँ पर छात्रों के हितों के लिए मांग उठाई है और ये हमारी भूख हड़ताल अनिश्चितकाल तक चलेगी जब तक हमारी सुनवाई को माना नहीं जाता है। हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, पिछले कई सालों से हमें आश्वासन मिलता आया है और हमारे नहीं अन्य छात्र संगठनों के द्वारा भी आश्वासन मिलता है कि हाँ ये काम हो जाएगा, पर आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सिर्फ आश्वासन देना ही उनका काम रह गया है, बल्कि वो काम करने की जगह सिर्फ आश्वासन देते हैं। तो इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए कि हमें करके दिखाइए, बिल्डिंगें खड़ी कीजिए, हमारे जो छात्र हैं उनके लिए सुविधा कीजिए, खिलाड़ियों के लिए सुविधा कीजिए, एक समान जो राशि है, भुगतान राशि है, फीस है, उसको एक समान कीजिए। तो यही सब हमारी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कि किस तरह से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ भी रहे हैं, इन लोगों से मिल रहे हैं और जो ये अपनी मांग जो रख रहे हैं इनको अभी नज़रअंदाज करा जा रहा है, कोई इस पर कार्यवाही नहीं है। तो इसी चीज़ के मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा जाए और लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि जो छात्र जो पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों से, उनको जो परेशानियाँ हैं, जो उनकी परेशानियों को नज़रअंदाज करा जा रहा है, उन पर काम करा जाए और इनके लिए भविष्य के लिए एक अच्छा भविष्य एक तैयार करा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।